सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होगी अश्विनी सेखड़ी की। अश्विनी सेखड़ी दे कांग्रेस छड़ के अकाली दल दे विच जाण दीआं चर्चावां ने। अश्विनी सेखड़ी नाराज़ ने, लंबे वेले तो नाराज़ ने। तो इस विचाले वड्डी खबर है कि नाराज़ कांग्रेसी आगू अश्विनी सेखड़ी नूं हुण मनाउण दी कोशिश हो रही है। अश्विनी सेखड़ी दे घर पहुंचने डॉक्टर राजकुमार वीरका, सेखड़ी नूं किते जान नहीं दवांगे। ये वीरका हुण कहिंदे होए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेखड़ी दे अकाली दल दे विच जाण दीआं चर्चावां ने। इस विचाले वीरका ने कहा कि सेखड़ी पार्टी दे नाल ने ते असीं पार्टी तो उन्होंने दूर नहीं होण दवांगे। लंबे समय तो पार्टी तो नाराज़ ने अश्विनी सेखड़ी। पिछले दिन खुल के पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताई थी। बटाला विधानसभा हलका तो विधायक रहे हैं तो उन्होंने वालों अश्विनी सेखड़ी के वालों ऐलान कर दिया गया कि मैं तो इस सीट तो चुन लड़ांगा। खैर, अश्विनी सेखड़ी की वाकई ही पार्टी के नाल रहेंगे या अकाली दल का लड़ फाड़ लेंगे, एक बड़ा सवाल जरूर है। पर इलेक्शन तो पहला नाराजगियां दूर करने की कोशिश भी है, दल बदलन दी कोशिशां भी ने, अपने कुनबियां मजबूत करने की कोशिश भी है। कांग्रेस के अंदर भी इस समय जी धड़ेबंदी नजर आती है या जिस दिन चर्चावान ने उसनों ध्यान रखते हुए भी जोड़े नाराज आगू ने जो पार्टी छड़ के बाहर जाते हैं तो दिक्कत हाईकमान के लिए मौजूदा समय जी हाईकमान है पंजाब या सीनियर लीडर ने उन्होंने लिए एक चुनौती होगी। खैर, अश्विनी सेखड़ी को मनाने की कोशिशों ने जानकारी यह भी है कि वीरका उत्थे पहुंचे ने। हरीश रावत के भी फोन उत्ते गलबात अश्विनी सेखड़ी हरीश रावत की भी गलबात करवाई जा रही है। हुण तो कुछ समा पहला वेरका पहुंचे सन अश्विनी सेखड़ी के घर। साडे सहयोगी राजीव शर्मा ने जायजा लिया उत्थे कि कुछ हुण राजकुमार वेरका सुनेहा लैके पहुंचे ने, किसका सुनेहा लैके पहुंचे ने ते किहड़ा फॉर्मूला लैके पहुंचे ने अश्विनी सेखड़ी नूं मनाउण दा, जायजा लिया साडे सहयोगी। जी हाँ, डॉक्टर राजकुमार वेरका इस समय अश्विनी सेखड़ी के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। उनसे क्या मुलाकात होगी ये भी हम बात करेंगे, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई आपको कि सेखड़ी आपके घर आना पड़ा, क्योंकि चर्चा ये है कि वो अकाली दल में जा रहे हैं। नहीं भैया, वो परिवार का हिस्सा है और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी अश्विनी सेखड़ी से बात की है और हरीश रावत से भी उनकी बात हो रही है। वो सीनियर लीडर हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और हमारे मंत्री रहे हैं और हमारे परिवार का हिस्सा है वो, और वो उनको कहीं नहीं जाने देंगे। आज मैं यहाँ पे उनसे मुलाकात करने आया हूँ, उनसे बात करने आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। ये कहा जा सकता है कि आप उनको मनाने के लिए पहुंचे? बिल्कुल, उनको मनाने के लिए पहुंचा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो खुद मेरे से सीनियर लीडर हैं, वो मेरे भी लीडर हैं और वो कहीं नहीं जाएंगे, उनको रोकूंगा मैं। लेकिन चर्चा तो यही है कि कल वो अकाली दल का हाथ थामने कहीं नहीं जा सकते वो, मैं यहाँ आया हूँ और वो कहीं नहीं उन्हें जाने देंगे। तो अजय, आपने सुना कि डॉक्टर राजकुमार वेरका इस समय अश्विनी सेखड़ी के घर पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि वो किसी तरह की नाराजगी जो है उनके साथ नहीं है। हरीश रावत से भी उनका कहना कि बात हुई है, तो क्या बात हुई है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, हरीश रावत जी से क्या बात हुई है सेखड़ी साहब की? अरे भैया, वो बात कर रहे हैं, हाईकमान भी बात कर रही है और वो भी बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। सेखड़ी साहब से आपकी बात तो हुई होगी? अश्विनी सेखड़ी से मिलने आया हूँ ना, मैं घर पे हूँ, मेरा ये परिवार है, मेरा ये घर है अश्विनी सेखड़ी का, और मुझे विश्वास है कि अश्विनी सेखड़ी कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन बड़ी देर से उनके जो तीखे स्वर हैं वो नजर आ रहे हैं, नाराजगी है क्या? अरे, जो भी नाराजगी होगी वो दूर होंगी, किसी तरह की नाराजगी नहीं रहेंगी। अश्विनी सेखड़ी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी से उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। आज मैं यहाँ आया हूँ और उन्हें रोकूंगा। जी, आपने देखा कि डॉक्टर राजकुमार वेरका ने स्पष्ट किया है कि वो अश्विनी सेखड़ी को किसी भी पार्टी में नहीं जाने देंगे। तो इस समय आप देख सकते हैं कि अश्विनी सेखड़ी के घर से लाइव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि राजकुमार वेरका और उनके साथ जो उनके साथी यहां पहुंचे हुए हैं, और उनका ये कहना है सीधे तौर पर कि अश्विनी सेखड़ी उनके परिवार का हिस्सा है। तो इसलिए क्या अब बातचीत होती है, क्या अश्विनी सेखड़ी उनकी बातें मानते हैं, ये कुछ देर बाद स्पष्ट होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी पंजाब से जो राजनीति से जुड़ी हुई खबर है कि डॉक्टर राजकुमार वेरका इस समय अश्विनी सेखड़ी जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कुछ दिनों से वो अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर, खासतौर पर तृप्त राजेंद्र बाजवा पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे उनकी तरफ से। तो इस समय आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजकुमार वेरका जो हैं वो अश्विनी सेखड़ी जी से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर
पर नाराज़ अश्विनी सेखड़ी नूं मनाउण दी कोशिश है, कवायद है। राजकुमार वीरका अश्विनी सेखड़ी दे घर पहुंचे ने मुलाकात करने लिए। बेशक राजकुमार वीरका कह रहे हैं कि साडा तां परिवार है, असी अपने परिवार दे विच पहुंचे हां, गल करने लिए पहुंचे हां, पर कि वाकई ऑल इज वैल वाले संकेत हैगे ने। जिस तरीके नाल अश्विनी सेखड़ी बागी सुर दिखाते नजर आए ने, जिस तरीके दीआं इस समय चर्चावां ने, कि क्योंकि यह भी चर्चावां हैगीआं कि सोमवार नूं उन्हां दे वल्लों अकाली दल दा लड़ फड़िया जा सकदा है, ताकि बिल्कुल एंड टाइम दे उत्ते जाके वीरका अश्विनी सेखड़ी नूं रोक लैणगे, क्योंकि माझे दे विच ऑलरेडी बहुत सारे लीडर कांग्रेस दे कोल हैगे ने जो जरनैल कहाउंदे ने, आ कहीए कि जो कहिंदे ने कि कांग्रेस ही वड्डे लीडर ने, पर अश्विनी सेखड़ी सीधा सीधा जिवें राजीव भी जिक्र कर रहे थे कि अश्विनी सेखड़ी का सीधा मोर्चा तृप्त रजिंदर बाजवा के खिलाफ खोलते नजर आए हैं। तो हम सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर की माझे दे विच ऑल इज वैल होगा। माझे दे विच एक पासे प्रताप बाजवा है, एक पासे सुखजिंदर सिंह रंधावा है, एक पासे तृप्त रजिंदर बाजवा है, खुद डॉक्टर राजकुमार वीरका है, तो इस विचाले अश्विनी सेखड़ी कि हुण अकाली दल या फिर कांग्रेस के नाल ही कंटिन्यू। सिद्धा रुख करते हैं, इस समय राजकुमार वीरका मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं राजीव। राजीव का रुख करते हैं, राजीव मना लिया गया अश्विनी सेखड़ी नूं, रोक लिया राजकुमार वीरका ने, की तुहाडे कोल जानकारी है, किहड़ा फॉर्मूला उत्थे मनाउण नूं लैके पहुंचे ने? जी देखो गौरव, सब तो इंट्रस्टिंग गल ये है कि जदों ये चर्चावां शुरू हुई जदों अश्विनी सेखड़ी, क्योंकि पिछले कई महीनों तो असीं कह सकते हैं कि लगातार वो अपनी ही पार्टी के मौजूदा जिहड़े कैबिनेट मंत्री ने तृप्त रजिंदर बाजवा उन्होंने खिलाफ बोलते आ रहे हैं, उन्होंने कहना कि वो मेरे हल्के दे विच मेरे कामां दे विच दखल अंदाजी देंदे ने, तां इसे नूं लैके नाराजगी जिहड़ी आ उह वधदी गई। पर उस वेले शायद पार्टी दे आला लीडर ने उन्होंने नाराजगी नूं नज़रअंदाज किया, पर हुण जदों ये चर्चावान ने कि वह अकाली दल दे विच जा रहे हैं, तो उस तो पहला कल रात भी डॉक्टर राजकुमार वीरका का कहना कि उन्होंने फोन पर गलबात हुई सी। इस वेले तुसी देखो कि डॉक्टर राजकुमार वीरका की ये वो गड्डी है जिस दे विच वो इत्थे पहुंचे, और इस वेले अश्विनी सेखड़ी के घर के ड्राइंग रूम के उन्होंने जी मुलाकात है वो चल रही है, और इस वेले घर के अश्विनी सेखड़ी उन्होंने धर्मपत्नी उन्होंने बेटा जो है इस वेले डॉक्टर राजकुमार वीरका के नाल उन्होंने की गलबात हो रही है, इस बारे हाले खुलासा नहीं किया गया। तो डॉक्टर राजकुमार वीरका ने यह भी गल कही कि उन्होंने परिवारक संबंध ने अश्विनी सेखड़ी के नाल, और जेकर असी अश्विनी सेखड़ी का पार्टी के कद की गल कर रहे हैं तो एक वड्डा कद है, सीनियर लीडर ने सबका मंत्री भी रह चुके हैं, तो इस करके अजिहे आगू नूं नाराज़ करना कितना कितने कांग्रेस पार्टी नूं, क्योंकि आने वाली चोणां दे विच महंगा भी पै सकता, 2022 दीआं चोणां तो ठीक पहला इस तरीके दे जिहड़े आगू ने, क्योंकि माझे दे विच जेकर असीं हिंदू चेहरियां दी गल करदे हां तां उस दे विच इक वड्डा नाम है अश्विनी सेखड़ी दा, पर पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ी नाराज़गी खुल के सामने आई, और अकाली दल दे आगू खुद अश्विनी सेखड़ी दे हक दे विच नज़र आए सी। विक्रम सिंह मजीठिया ने खुद तारीफ कीती सी, क्योंकि मजीठा अते बटाला जो है बिल्कुल नाल लगते हलके ने, तो उन्होंने कहना सी कि साढ़े जड़े बिल्कुल गवांढ जिहड़ा हलका है उत्थों दा एक आगू कांग्रसी आगूआं बारे बहुत कुछ बोल रहा, तो तारीफ की गई सी, क्योंकि सियासी लोग जिहड़े ने उह किसी भी अजिहे मौके का असीं कह सकते हैं कि फायदा उठाउण तो पिछे नहीं हटते, तो अजिहे दे विच क्योंकि एक पासे कांग्रेस दे विच अपने जिहड़ी अपने आगूआं दे विच ही एक घमसाण जिहड़ा शुरू होया, खिचो तान शुरू हुई है, कांटो कलेश जिहड़ा शुरू होया रुकण का नाम नहीं लै रहा सी। उस तो बाद दिल्ली दे विच तीन मैंबरी जिहड़ी कमेटी है उन्होंने अगे सारे पंजाब दे जिहड़े आगू ने पेश होए, और इस विचाले अश्विनी सेखड़ी वालों अपनी पार्टी के मौजूदा जिहड़े मंत्री ने उन्हां दे खिलाफ मोर्चा खोलण तो बाद जदों ये संकेत दिते गए कि वह कांग्रेस नूं अलविदा कह सकते हैं, और होर कोई सियासी पार्टी जिहड़ी उन्हां नूं शामिल करके 2022 दे विच उन्हां दा, क्योंकि एक आधार है बटाला जिहड़ा असीं कह सकते कि हिंदू डोमीनेटड जिहड़ा इलाका, तो उन्हां दा एक अपना जिहड़ा निजी तौर पर भी एक जिहड़ा आधार काफ़ी मजबूत है, तो इस करके कोई भी सियासी पार्टी इस वेले किसी भी जिहड़ा लाह है उसनू लैण तो पिछे नहीं हट रही, तो अश्विनी सेखड़ी दे किसी होर पार्टी दे विच जाण दीआं चर्चावां तो बाद असीं कह सकते हैं कि कांग्रेस दे विच एक जिहड़ी कोशिशां दी जिहड़ी लड़ी है वह शुरू हुई है। डॉक्टर राजकुमार वीरका खुद पहुंचे ने, उन्हां दा कहना कि जो अश्विनी सेखड़ी ने वो मेरे वधिया दोस्त भी ने, और साडे सीनियर लीडर भी ने, मेरे परिवार का हिस्सा ने, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा ने, और कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहणगे। पर
कि डॉक्टर राजकुमार वेरका का यह जिहड़ा बयान कुछ देर पहला दिता गया उस दे विचो कामयाब होणगे कि अश्विनी सेकड़ी नूं उह मनाउण दे विच जिहड़ी आ कामयाबी हासिल करदे ने इह तां कुछ देर बाद स्पष्ट होएगा। इस विचाले यह भी जानकारी सामने आई है कि अश्विनी सेकड़ी की हरीश रावत दे नाल एक बार फिर जिहड़ी फोन ते गलबात करवाई जा सकती है, क्योंकि कल रात भी अश्विनी सेकड़ी की हरीश रावत जो कि पंजाब के इंचार्ज ने उन्हां दे नाल उन्हां दी गलबात होई है, पर फिलहाल किसी तरह की जिहड़ी नाराजगी दे विच कमी नज़र नहीं आ रही, जिस करके शायद डॉक्टर राजकुमार वेरका ने यह समझिया कि उन्होंने घर जाके उन्होंने मनाने की जिहड़ी कवायद है वह शुरू की जानी चाहिए। तो इस वेले न्यूज़ 18 पंजाब के उपर असी सब तो पहला एक्सकलूसिव वो तस्वीर भी दिखाइया और जानकारी सांझी की कि डॉक्टर राजकुमार वेरका अश्विनी सेकड़ी मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। तो फिलहाल तुम देख सकते हो कि उन्हां दी जिहड़ी डॉक्टर राजकुमार वेरका की टीम उन्हां दी जिहड़ा सिक्योरिटी दस्ता वो फिलहाल बाहर है, अंदर जो है मीडिया नूं किसी नूं भी जाण दी इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि उन्हां दा कहना है कि एक निजी मुलाकात है, पर सीधे तौर पर एक सियासी जिहड़ा फेरबदल कांग्रेस दे विच नज़र आ रहा उस नूं देखदिआं होइआं इह जिहड़ी मुलाकात है वह करन दे लई डॉक्टर राजकुमार वेरका इत्थे पहुंचे ने। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਕੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਕੜੀ ਦੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਰਾਜੀਵ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਸੇਖੜੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ, 6-8 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਐਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਹੋਣ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਉਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਠੀਕ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੇਰਕਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।